Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ओम अज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्लोका हम लोग पढ़ते हैं। राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्म स्थानुपालनं शाशतो अन्यान्यत्यता शास्त्रं अनापद उत्पतान इह। अनुवाद ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। The supreme duty of the ruling king is to give all protection to law-abiding persons and to chastise those who stray from the ordinances of the scriptures in ordinary times when there is no emergency. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatam aham vande shri guru dinatarinam paramananda madhavam shri chaitanya ishwaram. हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है और एक बार और सभी के भक्तों में मेरा दंडवत सादर प्रणाम। तो सभी आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस जो महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम जो है इसके ऊपर कुछ बोल सकूं। तो हमेशा जब भक्त आते हैं, वरिष्ठ भक्त आते हैं, वो भी कहते हैं कि उनकी कोई योग्यता नहीं है, मतलब ये उनका मतलब क्या हो ह्यूमिलिटी है। तो जब ऐसे ऐसे महान वरिष्ठ भक्त जब कहते हैं कि उनकी योग्यता नहीं, तो मैं आज सोच रहा था कि हाँ, मैंने आज तक कभी ऐसा बोला नहीं, लेकिन हाँ बस ये गुरु की कृपा और वैष्णव की कृपा से हम कुछ बोल पाते हैं जो समझा है। तो आपका आशीर्वाद से कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। तो ये आज के श्लोक में भगवान मतलब ये श्रीमद् भागवत में जो डिस्कशन हो रहा है, तो ये आपत्कालीन स्थिति, तो एक प्रभु जी बता रहे थे कि जब श्रीला प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे और उनको जब दो बार दिल का दौरा पड़ा और उनको ऐसा लगा पता नहीं उनके पास कितना समय बाकी है इस पृथ्वी पे, और उनको अपने गुरु महाराज का जो आदेश का पालन करना था, तो उन्होंने ये जो भगवद गीता और जो पहला स्कंद श्रीमद् भागवतम उसमें पूरा जितना भी वो शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देना चाहते थे, उन्होंने पूरा उस ये दो ग्रंथ में श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद और भगवद गीता इस इन तात्पर्यों में पूरा उन्होंने टोटल जितना भी एसेंस है उसमें दे दिया जो सार है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि शायद उनके पास ज्यादा समय नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद ने भी खुद कहा था कि श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में पूरा सार जो है जो पूरा कृष्ण भावनामृत में जो एक्चुअल टीचिंग्स है उन्होंने उसमें दिया था। इसलिए कहते हैं कि पहला स्कंद का जितना भी तात्पर्य है प्रभुपाद का, अगर ये हम पढ़ लेंगे अच्छी तरह से पहला स्कंद, तो हमको जो
जो इम्पोर्टेंट टीचिंग्स है वो मिलेंगे, लेकिन कृष्ण की कृपा से हमको, मतलब जो प्रभुपाद के शिष्य थे उनको प्रभुपाद का संग काफी समय तक मिला। उसके बाद प्रभुपाद 66 to 77 तक थे, और फिर उन्होंने अपना भक्ति विधान परपर तात्पर्य देते गए। लेकिन जो पहले स्कंद में उन्होंने टोटल, मतलब उनको ऐसा लगा कि शायद उनके पास ज्यादा समय नहीं, तो जितना भी वो कहना चाहते थे जो हमारे कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है, उन्होंने पहले स्कंद में और भगवद गीता के तात्पर्य में पूरा दे दिया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए फर्स्ट कैंटो। तो आज के इसमें आपातकालीन स्थिति, हाँ, तो इमरजेंसी के बारे में बात करें, तो जैसे हम जानते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड एक्चुअली, ये भौतिक जगत एक एक्चुअली इमरजेंसी सिचुएशन है। हर एक युग में अगर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रहना कितना खतरनाक है, तो हमको भी जब भी हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं, हमको उसी तरह का हमारा सोच होना चाहिए कि इट इज़ अ इमरजेंसी सिचुएशन, यहाँ से हमको कैसे निकलना है। नहीं तो इस इमरजेंसी सिचुएशन को अगर हमने लाइटली लिया तो हम यहीं पे फंसे रहेंगे। तो आज यहाँ पे बताता है, बताया जा रहा है कि किस तरह से एक राजा या फिर जो प्रजा के हेड है, उनको किस तरह से अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, जो किस प्रजा की, जो प्रजा कहे गए अनुसार, जो राज्य का जो आदेश है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो शास्त्र है, उस अनुसार जो जो भी प्रजा चल रही शास्त्रों के आधार पे, या जो राज्य का जो शासन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस हिसाब उसके हिसाब से जो चल रहे, ऐसे प्रजा को पूरी तरह से रक्षा करना एक राजा का कर्तव्य है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जरा इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे हम लोग देखते हैं कि एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी, फायर ब्रिगेड, कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, रूल्स तोड़ते हैं। मतलब अगर नो एंट्री है तो कभी कभी नो एंट्री में भी वो लोग चला के लेके जाते हैं गाड़ी। क्यों? क्योंकि आपातकालीन स्थिति है। अगर पुलिस को किसी चोर को पकड़ना है, तो चोर ऐसी दिशा में भाग रहा है जहाँ पे, जहाँ से गाड़ी आप लेके नहीं जा सकते, वो नो एंट्री है। लेकिन क्योंकि वो चोर को पकड़ना जरूरी है, तो पुलिस वो नो एंट्री में गाड़ी चला के ले जा सकती है, क्योंकि इट्स इमरजेंसी सिचुएशन, वो चोर को पकड़ना जरूरी है, नहीं तो वो चोर और इस सोसाइटी में और ज्यादा चोरी करेगा और लोगों को तकलीफ देगा। उसी तरह से अगर कहीं आग लगी है, तो फायर ब्रिगेड ये नहीं देखेगी किस रास्ता, मतलब एज पर रूल कौन से रास्ते से जाना है, जो भी शॉर्टकट है, हो सकता है सटन नो एंट्री वहां से भी घुस के, लेकिन क्योंकि वहां पे पहुंच के वो जहाँ पे, जहाँ आग लगी है उस आग को बुझाना जरूरी है, तो फायर ब्रिगेड भी। तो ऐसे आपातकालीन स्थिति में रूल्स एंड रेगुलेशन को कभी कभी तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो उसी तरह से जब कोई वॉर होते हैं, तो कभी कभी वॉर के टाइम पे इवन नॉर्मल सिटीजन्स को भी शामिल किया जाता है, मतलब नॉट ओनली सोल्जर्स, मतलब जब स्थिति एकदम गंभीर हो जाए। तो इस तरह से आपातकालीन स्थिति में कभी कभी रूल्स एंड रेगुलेशन का उल्लंघन किया जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इमरजेंसी। और जब स्थिति वापस नॉर्मल हो, देन अगेन, तो ऐसा नहीं कि अगर कोई एक व्यक्ति देख रहा है कि पुलिस वाला या ऐसा एम्बुलेंस नो एंट्री में जा रहा है तो मैं भी जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस आदमी को कोई इमरजेंसी नहीं है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना जरूरी है। तो ये सब, मतलब हमको अपना जो क्या कहते हैं, कॉमन सेंस, इसको कॉमन सेंस की दृष्टि से हमको देखना चाहिए। तो आगे यहाँ पे स्वधर्म के बारे में बात हो रहा है आज के जो श्लोक है ना उसमें। तो जैसे कहा गया कि जो अपना स्वधर्म पालन कर रहे हैं, तो ऐसे प्रजा का रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। तो ये स्वधर्म क्या है, तो प्रभुपाद हमेशा बताते हैं देयर आर टू स्वधर्म। एक है आध्यात्मिक जगह, आध्यात्मिक स्तर पे, और एक है भौतिक स्तर पे। तो भौतिक स्तर पे जैसे हम लोगों ने इस मनुष्य जन्म लिया है और हम इस भौतिक जगत में है, तो हर किसी का गुणों के हिसाब से अपना अपना स्वधर्म है। तो जैसे कि हम जानते हैं तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण, और सबसे ऊंचा जो है सत्वगुण। तो जो व्यक्ति सत्वगुण के स्तर पे है, तो उस, और जो सत्वगुण के स्तर पे कार्य कर रहा है, तो हम जानते हैं कि सत्वगुणी कौन होते हैं, नॉर्मली जो ब्राह्मण होते हैं वो हमेशा सत्वगुण में होते हैं।
और जो थोड़ा सा रजस में होते हैं उनको हम क्षत्रिय कहते हैं, और जो रजस और तमोगुण के जो बीच में रहते हैं हम उनको क्या कहते हैं, वैश्य। और उसी तरह से जो शूद्र होते हैं, मतलब जो एकदम जिनका चेतना बहुत ही नीचे स्तर पे होता है, जो तामसिक ज्यादा, तो हम उनको शूद्र कहते हैं। तो इस तरह से मतलब डिवाइड किया गया है अपना अपना स्वधर्म। और भगवान कहते हैं कि इस भौतिक जगत में हर कोई कार्य जो है वो दूषित है। अगर 18वें अध्याय में हम देखेंगे तो भगवान कहते हैं, और इस तात्पर्य में प्रभुपाद इसका वर्णन कर रहे हैं, 18.48 भगवद गीता, तो मैं श्लोका पढ़ता हूँ। सहजम कर्म कौन्तेय स दोषम अपि न त्यजेत, सर्व आरंभ ही दोषेन धूमेनाग्नि इवावृत। एवरी एंडेवर इज कवर्ड बाय सम फॉल्ट जस्ट एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, देयरफॉर वन शुड नॉट गिव अप द वर्क बॉर्न ऑफ हिज नेचर ओ सन ऑफ कुंती, इवन सच वर्क इज फुल ऑफ फॉल्ट। तो यहाँ पे वही भगवान ने अर्जुन को वही कहा कि आप अपना धर्म भले ही उसमें दोष हो है और दोष रहेंगे, और अच्छा उदाहरण जैसे अग्नि, अग्नि सबसे शुद्ध ये है क्या कहते हैं इंग्रेडिएंट, लेकिन अग्नि में भी क्या है, धुआं होता है। अगर आपने देखा होगा, अगर जब सर्दियों में गांव में नॉर्मली सर्दियों में क्या करते हैं लोग, सुबह सुबह आग जलाते हैं और आग जला के वहां पे लोग बैठते हैं राउंड, लेकिन कभी कभी धुआं आता है तो आँख को तकलीफ देते हैं, लेकिन भी क्योंकि सर्दी का मौसम है और वो आग से उनको राहत मिल रही है, लोग रहते हैं। तो उसी तरह से मतलब थोड़ा सा उसमें कष्ट है फिर भी लोग रहते हैं, उसी तरह से हम हर एक कार्य में दोष है लेकिन वो करना जरूरी है क्योंकि वो अपने स्वभाव के अनुसार। तो भगवान कहते दोष होते हुए भी आप उसको मत, आप उसको छोड़िए मत। और प्रभुपाद उस भगवद गीता के तात्पर्य में अच्छा एग्जाम्पल देते कि एक ब्राह्मण को कभी कभी यज्ञ में पशु की बलि देना पड़ता है। तो एक्चुअली पशु की बलि देना अच्छी बात नहीं एक जीव की, लेकिन क्योंकि वो उनका कर्तव्य है ब्राह्मण का, तो उनको वो करना पड़ता है। तो क्षत्रिय को भी युद्ध में लड़ना पड़ता है और लड़ते लड़ते काफी लोगों को मार गिनाना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि मतलब ऑपोजिट आर्मी में ऐसे नहीं कि उनका कोई निजी दुश्मनी है, लेकिन क्योंकि उनको अपना राज्य का पालन करना है और उस पालन करते वक्त युद्ध में काफी लोगों को मारना पड़ता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, मतलब वो उनका क्षत्रिय धर्म है तो उनको मारना पड़ता है, तो वो भी एक दोष है किसी को मारना, लेकिन क्योंकि वो क्षत्रिय का धर्म का पालन कर रहा है उनको वो करना पड़ता है। उसी तरह से वैश्य, जब वैश्य कोई भी बिजनेस करता है तो उनको झूठ बोलना पड़ता है प्रॉफिट के लिए। हाँ, जैसे हम लोग कभी भी कुछ खरीदने जाते हैं तो हम वो लोग हमको क्या कहते हैं, नहीं नहीं इसके ऊपर मुझे कोई भी फायदा नहीं है, हाँ मैं आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे चुका हूँ, इससे और कम नहीं हो सकता। लेकिन हमको पता है कोई भी बिजनेसमैन घाटे का सौदा नहीं करेगा, वो अपना बिजनेस में प्रॉफिट रख के ही जो भी है बेचेगा, लेकिन भी उसको झूठ बोलना पड़ता है कि इसमें मुझे कोई फायदा नहीं, मैं इसमें कुछ कमा नहीं रहा हूँ। और उसी तरह शूद्र का श्लोक प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कभी कभी वो ऐसे ऐसे स्वामी के लिए काम करते हैं जो पूरी तरह से मतलब जो पापमय कृत्य में रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो शूद्र है और उनको उनका मास्टर का ऑर्डर कैरी आउट करना है, तो जो भी वो कहते हैं उनको उनका वो पालन करना पड़ता है आदेश का। तो इस तरह से हर एक कोई जो अपना स्वधर्म कर रहा है वो क्योंकि दोषित है, लेकिन क्योंकि हमको कार्य करना है अपने स्वभाव के अनुसार, क्योंकि हम उस वर्ण में उस आश्रम में है, हमको वो कार्य करना है, तो भगवान भी उसकी अनुमति दे रहे हैं, हमको छोड़ना नहीं है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस ना हो अपना स्वधर्म मत छोड़िए। हाँ, कभी कभी हम लोग कृष्ण भावनामृत में आने के बाद हमको फिलोसफी इतना अच्छा लगता है, हमको सब हम लोगों को लगता है अरे ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, केवल कृष्ण की भक्ति करनी है, ये सब माया है, ये परिवार माया है, ये जॉब माया है। तो हम लोग अचानक इतने भावुक हो जाते हैं और इमीडिएटली हम डिसीजन लेते हैं कि आज से मैं सब कुछ छोड़ने वाला हूँ, अभी केवल मैं आश्रम ज्वाइन करूंगा और केवल प्रचार करूंगा और केवल कृष्णा भावनामृत में रहूंगा। अभी ऐसा देखा जाए तो हो सकता है वो व्यक्ति
अकेला है जो अपना परिवार का रक्षण कर रहा है, मतलब भले ही वो गृहस्थ ना हो लेकिन उसकी माँ है, पिता है, बहन है, हाँ बहन की अभी शादी होनी बाकी है, हाँ माँ बाप अभी थोड़े वृद्ध हो गए, तो अभी उसका ऐसा नहीं कि उसने उसको फिलोसफी समझ में आए तो छोड़ दिया, क्योंकि अभी फिर इनका कौन, मतलब वो अकेला कमाने वाला है पर अचानक वो फिलोसफी सुन के भावुक होके सब छोड़ने का सोच रहा है, हाँ बिना कोई अरेंजमेंट के, मतलब घर पे अभी ऐसा नहीं कि उसने काफी सारा कमा के रखा है जिससे वो घर चल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अचानक उसको अच्छा लगा और छोड़ दिया, और नहीं नहीं कृष्णा सब कृष्णा है जो पालन करते हैं, कृष्णा जो है सबका सबको संभालते हैं, और ऐसा भी बोल सकता है जंगल में हाथी 400 किलो घास खाता है डेली, 4 टन, हाँ उसको कौन देता है, वो कृष्णा देता है, तो इसी तरह मेरे माँ बाप, हाँ मेरी बहन का जो शादी का जो है वो सब कृष्णा संभाल लेगा, अभी मैं कृष्ण भावनामृत होने वाला, तो ये थोड़ा क्या होता है, ये इम्प्रैक्टिकल है, इसलिए वो कहते हैं ना श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि का विधि बिना एकांतिका हरेर भक्ते उत्पाद एव कल्पते, तो इस तरह का भी अगर कोई सोच रहा है तो ये केवल उत्पाद मचाएगा, फिर क्या होगा, वो माँ बाप वो जो बहन वो सोचेगी इस्कॉन में मेरा भाई जाके पूरा हमारा जीवन बर्बाद हो गया, अभी हमारा कोई कोई नहीं है संभालने के लिए, तो इस तरह से इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्लीज मतलब खाली इम्प्रैक्टिकली कुछ मत करो, अपना धर्म रखो, स्वधर्म, अपना जो जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका पालन करो, हाँ अगर ऐसा है कि घर में 2-3 और है कमाने वाले देखने वाले अगर, और फिर वो सोच रहा है कि चलो मैं आश्रम ज्वाइन करता हूँ, हाँ क्योंकि और है घर में कोई देखने वाला, देन इट इज प्रैक्टिकल, लेकिन आप अकेले हो कमाने वाले, थोड़ा बहुत आपने फिलोसफी सोच पढ़ लिया, थोड़ा आप भावुक हो गए, और ऐसे इसमें अगर आप आश्रम छोड़ो मतलब अपना जो स्वधर्म छोड़ के कुछ और करोगे तो फिर क्या होगा, फिर थोड़े दिनों बाद जब आप आश्रम ज्वाइन करोगे, क्योंकि अभी तक आप 100% नहीं हो, थोड़ा इमोशनल होके मटेरियल प्लेन पे थोड़ा आपको अच्छा लगा, तो आप थोड़े दिन बाद वो भी आपको अच्छा नहीं लगा, वो भी आप छोड़ोगे, तो इस तरह से इम्प्रैक्टिकली हमको नहीं जीना है, तो ऐसा है, तो स्वधर्म हमको कभी अपना नहीं छोड़ना है हमको, और जब तक हम तीनों गुणों के अधीन है यहाँ तब तक हमको अपने कार्य करते करते हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करना है, अपना ये भक्ति मार्ग में लगे रहना है, अपना कार्य करते हुए मटेरियल जो एक्टिविटीज है उसको करते करते हमको कृष्णा की भक्ति करनी है, नहीं तो क्या होगा, क्योंकि हम गुणों के अधीन है, अगर हमने खाली टेम्परेली सब कुछ छोड़ दिया और सोचा कि पूरी तरह से मैं कृष्ण भावनामृत बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं अंटिल वन इज 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस उन्होंने अपना स्वधर्म बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, और आज के करंट सिचुएशन में हर किसी को जितना हो सके अपना स्वधर्म करते करते कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करना है, एक एग्जांपल है हिज होलीनेस स्वस्वरूप दामोदर महाराज थे, तो उन्होंने देखा कि वो अकेले कमाने वाले थे, मतलब वो जॉब कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि वो सुबह जॉब में जाते हैं और शाम को आते हैं, और बाकी जो लोग हैं जो जो जॉब नहीं कर रहे थे और प्रभुपाद के साथ हमेशा रहते थे और प्रचार के कार्य में, तो उनको लगा कि अरे मैं सुबह जो जाता हूँ शाम को आता हूँ और मुझे प्रभुपाद का इतना संग नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, उन्होंने बिना प्रभुपाद को पूछे जाके जॉब में रिजाइन कर दिया, और शाम को आके उन्हें प्रभुपाद को खुशी खुशी बताया कि प्रभुपाद मैंने जो है अपना काम अपने काम से मैंने रिजाइन कर दिया, और उनको लगा कि अभी प्रभुपाद बहुत खुश होंगे, ये भी अभी टोटली मतलब आश्रम ज्वाइन करके मतलब कृष्णा कॉन्शियस के लिए पूरा डेडिकेट करेगा, तो प्रभुपाद ने कुछ कहा नहीं, तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, और फिर प्रभुपाद ने उनको एक कहानी बताया, तो बहुत अच्छा कहानी, तो उन्होंने क्या कहा कि एक पति था और वो पति को एक बार किसी और स्त्री के साथ के प्रति आकर्षण हुआ, और वो स्त्री जो थी वो वैश्या थी, तो उनको उस पति को उस वैश्या का भोग करने का बहुत इच्छा हुआ, लेकिन उनने देखा कि वो वैश्या को भोग के लिए जो पैसे देने हैं वो इतना ज्यादा था कि उनके पास था नहीं, तो उन्होंने जाके अपनी पत्नी को व्यक्त किया कि मुझे जो ये वैश्या के प्रति बहुत आसक्ति है, लेकिन उसका भोग करने के लिए जो पैसे मुझे उसको देने हैं उतने मेरे पास है नहीं, तो आप मेरी मदद कीजिए, तो उस पत्नी ने क्या किया, अब ये प्रभुपाद ने सही में बताया हुआ कहानी है, आपको लगेगा कि थोड़ा मतलब एक ऐसा कहानी है,
तो फिर उस पत्नी ने क्या किया, उस पति को पैसे के हेल्प करने के लिए, तो वो जो है वो और पर जो पुरुष है उनके पास जाके उन्होंने वो पैसे इकट्ठा किए और पति को लाके दिए, और फिर पति ने जाके वो वैशाख के साथ भोग किया। तो प्रभुपाद एक कहानी बता के सत्यरूप महाराज को ये बताना चाह रहे थे कि नो डाउट कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब लोग मेरा यहाँ संग कर रहे हैं, मेरा मेरे साथ है, और आपको मेरा संग नहीं मिल रहा है, आप पूरे दिन ऑफिस में काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप तो मतलब इतने अच्छा संग छोड़ के आप माया के इसमें हो, लेकिन आप जो पैसा कमा रहे हो, आपसे जो तनख्वाह आ रही है उससे ये आश्रम चल रहा है और ये कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाने में वो पैसा आपका मदद कर रहा है, तो अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो उससे मेरी ज्यादा मदद होगी, ना कि आप जॉब छोड़ के मेरे साथ यहाँ रहोगे। तो जैसे ही ये कहानी सुनी और प्रभुपाद ने उसको समझाया, उस कहानी से वो क्या समझाना चाहते थे, इमीडिएटली अगले दिन महाराज गए वहाँ पे और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन वापस लिया, है नहीं कंटिन्यू। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि कभी कभी हमको लगता है कि मैं माया का सेवा कर रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उससे अच्छा मैं यहाँ, लेकिन हमारा इस आंदोलन को चलाने के लिए लक्ष्मी की बहुत जरूरत होती है। तो इसके लिए हमको कभी कभी ना चाहते हुए भी हमको अपना स्वधर्म कंटिन्यू करना पड़ता है, विच इज मे नॉट बी स्पिरिचुअल बट मटेरियली, बट क्योंकि उससे इस आंदोलन का मदद होता है, वी हैव टू कंटिन्यू। और हमको ऑफिस में हो कहीं पे भी हो, हमको तो प्रभुपाद ने कहा वी हैव टू बी 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आप ऑफिस में भी हो तो काम करते करते ऐसा सोचिए मैं कृष्णा के लिए कर रहा हूँ, इससे जो भी आने वाले मैं कृष्णा के आंदोलन को प्रचार के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, वो भी जो वो स्वधर्म भी जो है वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। तो ये हो गया मटेरियल स्वधर्म, एंड स्पिरिचुअल स्वधर्म क्या है, विच इज अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, अब जीवेर स्वरूप हो नित्यर कृष्ण दास। सो ये एक्चुअली अपना एक्चुअल आइडेंटिटी या अपना परिचय है। एक हो गया मटेरियल, हम जो इस भौतिक जगत में हमने जन्म लिया और हम जो अपना एज पर अवर कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, ये हो गया मटेरियल। लेकिन जो अपना स्पिरिचुअल आइडेंटिटी परिचय है, जो अपना स्वधर्म है, वो क्या है, नित्येर कृष्ण दास। लेकिन उसको पूरी तरह से समझने तक और उसके स्तर पे कार्य करने तक हमको अपना मटेरियल स्वधर्म हमेशा फॉलो करना चाहिए। इन द एंड जो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, वो एक्चुअली हम लोग अपना ये मटेरियल स्वधर्म करते करते उसके ऊपर चिंतन करते करते हमको आना है, और एक दिन अगर हम सिंसियर है, अगर हम प्रामाणिक है, तो एक दिन हम एक्चुअली वो अपना इटर्नल स्वधर्म है, वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। लेकिन क्योंकि हम भूल गए हैं और इस भौतिक जगत में आए हैं, अभी क्या बोलते सडनली मतलब अचानक हम उसको छोड़ के उस पे क्या कहते नित्य कृष्ण दास के प्लेटफॉर्म पे कार्य करना, ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। हर किसी के लिए संभव नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, वो लोग कर पाए, हम भी कर पाएंगे, लेकिन वो वक्त आने तक हमको अपना मटेरियल स्वधर्म कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, अपना भक्ति करते 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 करते, और कि मुझे एक दिन जो भगवान जो मेरे स्वामी है और मैं जो उनका नित्य दास हूँ, मुझे उस स्तर पे जाना है, इसका चिंतन करते करते हमको अपना बाकी सारे कार्य करते जाना है। और प्रभुपाद इस श्लोका में वो इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं, तो कभी कभी ऐसे ऐसे स्थिति होती है, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि एक बार ऐसा टाइम आया कि विश्वामित्र मुनि को भी जो है मांस खा के गुजारा करने का एक स्थिति आई थी। सो दीज आर ऑल इमरजेंसी सिचुएशन, तो आपातकालीन स्थिति में एक भक्त को भी कभी कभी क्या कहते हैं बहुत सारा ऐसे ऐसे चीज करना पड़ता है जो शास्त्र के अगेंस्ट है, बट इट इज ओनली उस क्षण के लिए, उस एक पीरियड के लिए जब इट इज इमरजेंसी सिचुएशन। जैसे एक बार प्रभुपाद जापान जाना चाहते थे प्रचार के लिए, और उनके शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद हम वहां प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे केवल मांस मिलता है, तो हम लोग जिएंगे कैसे। तो प्रभुपाद ने कहा अगर प्रचार करने के लिए मुझे मांस खाने का जरूरत पड़ा तो मैं खा लूंगा। तो इट इज इमरजेंसी, मतलब वहां पे कुछ मिल नहीं रहा है और हमको कृष्णा भावनामृत जापान में स्टार्ट करना है, तो उसके लिए।
और तो ऐसे, लेकिन ये रूल नहीं है, इट इज जस्ट एक इमरजेंसी. सो जब जब इमरजेंसी आती है तो कभी कभी हायर पर्पस के लिए, मतलब हायर पर्पस के लिए कभी कभी शास्त्र का उल्लंघन, मतलब अगेंस्ट द शास्त्र, क्यों? फॉर अ हायर पर्पस, इट इज नॉट अ रूल. मतलब हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं मांस खा के, मैं तो ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी जाओगे जहाँ पे सब कुछ मिल सकता है, फिर भी हाँ प्रभुपाद ने कहा था मांस तो शायद मैं भी खा सकता हूँ, ऐसा नहीं. अगर कुछ मिल नहीं रहा है और क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ उसको खिलाना पड़ता है, इन दैट केस. लेकिन आज तो ऐसी कहीं भी स्थिति नहीं, इवन गल्फ रेगिस्तान, जैसे हम लोग बोलो दामोदर देश, ये सब गल्फ कंट्री, इट इज फुल डेजर्ट, लेकिन यहाँ पे भी आपको ऐसे ऐसे चीजें मिलते जो इंडिया में भी नहीं मिलते. कभी कभी बोलते हैं ना, इंडिया में भी वो ऐसे ऐसे सब्जियां नहीं मिलती जो वहाँ पे मिलते. तो भगवान की कृपा से आजकल ऐसे कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आपको कुछ जो बोलते प्रसाद ना मिले. तो हर जगह प्रसाद मिलता है, तो मास्क की वो है ही नहीं, स्थिति है ही नहीं. लेकिन अगर कभी भी इन फ्यूचर कुछ आपातकालीन स्थिति आए तो ही, तो इन एमरजेंसी आपको थोड़ा सा रूल आप बैंड कर सकते हैं, ओनली टू सर्वाइव, सर्वाइवल के लिए, वो रूल नहीं है. तो इन आपातकालीन एमरजेंसी जब भी आती है, सर्टन 19-20 आप कर सकते हो. और लेकिन राजा का एक कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का जो शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं उनका हमेशा रक्षण करना चाहिए. और जैसे कि ये पूरा जो हमारा चल रहा है गौ माता के ऊपर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गौ माता तो हो ही गई, हर एक जीव का आजकल राजा करे ना करे, हम अपने स्तर पे उनकी मतलब जितना हो सके प्रोटेक्ट करे. जैसे हम जानते हैं कि जो एंडेंजर स्पीशीज, कुछ ऐसे ऐसे जानवर है जो कम होते जा रहे, तो उनको अगर मारा जाए तो सीधा आपको आके पुलिस अटैक करती है, आपको गिरफ्तार करती है. लेकिन वही जो गौ माता जो इतना हमको क्या क्या प्रदान कर रही है, इस पूरे वातावरण को शुद्ध बना रही है, उसको ऐसे ही मारा जा रहा है, ये बहुत ही क्या कहते हैं, दुखदायक स्थिति है. और एक बार एक प्रभु जी बता रहे थे कि जापान में वो एक बार गए थे और उन्होंने देखा कि जो वेजिटेरियन खाना है वो महंगा है और जो मांसाहारी खाना है वो एकदम सस्ता है. तो उन्होंने पूछा ये कैसा हो सकता है, मतलब वेजिटेबल्स आर मोर चीप, तो ऐसा कैसा है कि वेजिटेरियन खाना. तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का प्रोपोगेंडा है, वो जो क्या करते हैं जो भी मांसाहार है ना स्लॉटर हाउस, वो सब्सिडरी रेट में बेच रहे, मतलब कम दाम पे बेच रहे. क्यों? ताकि लोगों को इतनी आदत पड़े मांसाहार की कि फिर जैसे उनको आदत पड़ जाएगी और वो एकदम एडिक्टेड हो जाएंगे मांसाहार का, देन वो धीरे से उसका प्राइस जो है नॉर्मल प्राइस. लेकिन क्योंकि उनको उन सबको मांसाहार बनाना है, इसलिए वो सब्सिडरी ऑलमोस्ट, वो बोल रहे थे बिलियंस में पैसा वो लोग सब्सिडरी दे रहे थे. तो इस तरह से मतलब सोचिए, मतलब जो राजा अपनी प्रजा को आध्यात्मिक जगह लेके जाना चाहिए, उनका जो कर्तव्य है उसको छोड़ के ऐसे ऐसे प्रोपगंडा चला रहे हैं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग. तो बट हमको तो ज्ञान मिला है प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हमें अपने लेवल पे जितना हो सके इस स्वधर्म को पालन करते करते मटेरियल एज वेल एज स्पिरिचुअल हमको आगे बढ़ना है. और जितने भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे संपर्क में आए नहीं तो हमको उन तक पहुंचना चाहिए, ये अपना सबसे बड़ा कर्तव्य है. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का मिशन ही है, यारे देखो तारा कहे कृष्ण उपदेश. हम लोगों को रुकना नहीं है कि कोई आएगा और फिर बताऊंगा, अगर हमारे पास कोई नहीं आ रहा है एटलीस्ट हम उन तक जाके हमको ये संदेश पहुंचाना है. तो इससे क्या होगा, यही सबसे बड़ी गुरु की शिला प्रभुपाद की और चैतन्य महाप्रभु के प्रति हमारा सेवा होगा. और यहीं पर मैं रुकता हूँ. हरे कृष्ण दंडवत. पूरा सॉरी, मैंने थोड़ा आज काम में बिजी था तो आई कुडंट हियर द होल लेक्चर, लेकिन जितना सुना इट वाज नाइस. और मतलब पूरा ध्यान नहीं था मेरा लेक्चर में, आई कुडंट हियर द होल थिंग, लेकिन इसमें एक दो पॉइंट जो मुझे स्ट्राइक किए, आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट. तो इसमें जैसे आज के श्लोक बोल रहे हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द किंग टू कीप पीपल इन क्या बोलते हैं एकदम एक डिसिप्लिन में रखना है उसको. तो ये उसका ड्यूटी है कि उसको हर किसी को मतलब जो है अगर कोई
स्क्रिप्चर्स हम नॉर्मली ही इज वेरी मतलब ना दयालु है वो, जैसे हमने देखा परीक्षित महाराज ने वो इवन गाय और बैल को भी बचा, लेकिन देयर आर ऑलवेज सम क्या बोलते ना क्रिमिनल मेंटेलिटी वाले, तो ऐसे लोगों को जो है हमेशा उनको है ना डिसिप्लिन रखना है। सो ये इसमें बोल रहे हैं, और इसमें और एक चीज परपट में श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि विश्वामित्र मुनि को कभी कभी उनको फ्लैश भी खाना पड़ा, तो दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। और वो भी प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं डॉग का जो था उनका मतलब, तो हम लोग देखते हैं शास्त्रों के हिसाब से कि मीट खाना अलाउड है, बट दैट इज ऑफ दूसरी चीजों का। लेकिन जो कुत्ता खाने वाले हैं दे आर चांडाल्स, मतलब उनको क्या स्वपच बोलते हैं, दे आर लोअर देन चांडाल्स। तो विश्वामित्र इतने बड़े ऋषि होते हुए भी कभी कभी वो खाके भी उन्होंने अपना जो स्टेटस था वो मेंटेन करके रखा था। सो दिस शोज द क्या बोलते हैं ना कि इमरजेंसी में वी कैन डू समथिंग, जैसे आपने कहा प्रभु कि समटाइम्स इन इमरजेंसी इट इज ओके, बट देर आर सम काइंड ऑफ पीपल हु ऑलवेज विल ट्राई टू डॉज द स्क्रिप्चर्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ऐसे लोगों को राजा का ड्यूटी है कि ही शुड कीप देम डिसिप्लिन। एंड अगर इसको हम लोग स्पिरिचुअल सेंस में भी देखें तो कभी हम देखते हैं भक्त लोग जो हैं दे आर डाइवर्टिंग या कुछ गलत कर रहे हैं, तो वी शुड इन ए वेरी मतलब हम लोग तो क्षत्रिय नहीं है राजा नहीं है हम लोग, तो वी कैनॉट चेस्टाइज या बट इन ए स्वीट वे वी कैन कन्वे द मैसेज कि बाबा वॉट एवर यू आर डूइंग इज नॉट राइट एंड इट हैज़ टू बी करेक्टेड। अगर वो आपके बात सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता तो डोंट गेट पैशनेट कि मैंने बोला ये सुना क्यों नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए, लीव हिम ऑन हिज ओन, सो दैट वी कैन डू। तो ये एक पॉइंट मुझे ऐड करना था। हरे कृष्ण, थैंक यू। वैसे जो था जितना सुना मुझे अच्छा लगा प्रभु, आई कुडंट हियर बिकॉज ऑफ द वर्क। हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर द पॉइंट्स प्रभु। हरे कृष्ण धन्यवाद। हाँ समीर प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बढ़िया क्लास था अपने, प्रॉपर मस्त सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से डाले थे। एक कल प्रभुपाद जी का एक ये पढ़ रहा था जब वो शिबी महाराज का एग्जांपल दे रहे थे, तभी वो उन्होंने कहा था कि जैसे परमेश्वर हम लोग को बोलता है, भगवान हम लोग को बोलते हैं कि तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम लोग को संरक्षण देता हूँ, तो वैसे ही जो राजा है हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव गॉड, तो उसने भी सभी प्रजा मतलब सभी प्रजा मतलब वो प्रजाति का जो प्रजा निकलता है, प्रजाति मतलब ऑल स्पीशीज, तो उसके जो प्रजा है तो वहाँ पे उसके राज्य में जो भी प्रजा है, जो भी जीव जंतु है, जो भी है प्राणी है सभी, तो ही शुड गिव संरक्षण टू ऑल बिकॉज ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव गॉड। तो कल ये पढ़ा था, तो अभी आज के श्लोक के साथ वो थोड़ा सा इसका रिलेशन लग रहा था, उसके लिए बता दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा श्रीरत माधव प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था आपका, बहुत से सारे पॉइंट था। मैं एक लेक्चर में सुना था तो उसमें क्या है, प्रभुपाद एक दफा उधर गया था न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड, वहां पे सिर्फ बर्फ और बर्फ होता है, तो वहाँ पे जब प्रभुपाद वहाँ पे गया तो वहाँ का जो लोग होते हैं ना प्रभु, सिर्फ मीट खाता है, तो प्रभुपाद वहाँ पे अलाउ किया था क्योंकि वहाँ पे अनाज नहीं होता है, उन लोग का सिर्फ जो मतलब जीने का एक ही रास्ता है वो सिर्फ मीट खा के। तो वही कहता था, आपने जैसे अभी बोल रहा था आपातकालीन के बारे में बोल रहा था, तो हाँ, तो जो जहाँ पे मतलब आपातकालीन मतलब जो कुछ मिलता, अगर मिलता नहीं अपना जीने के लिए, अगर पेट भरने के लिए थोड़ा से कुछ रूल रेगुलेशन का, तो इधर उधर कर सकता है। तो वही मैं प्रभुपाद का वो लेक्चर में एक प्रभु का सुना था, जो न्यूजीलैंड में कहाँ पे गया था, वहाँ पे सिर्फ बर्फ होता है अनाज नहीं होता है, तो वहाँ का लोग जो मीट खाता है, तो मीट खा के भी वहाँ पे प्रभुपाद वहाँ पे प्रचार किया था, तो मीट खा के भी उन लोग मतलब भक्त बना रहा है, तो उनका जो मतलब भगवान का वहाँ पे आराधना भी होता है प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। अरे अरे मतलब प्रभु अभी भी वहां पे मतलब ये अनाज नहीं होता। हाँ
है प्रभु, वहां पे सिर्फ बर्फ होता है। आपने एस्किमो के बारे में सुना था ना, एस्किमो देश। अच्छा, एस्किमो okay. तो वो वहां पे सिर्फ के अनाज फनाज उन लोग जो जीता है वो बर्फ में ही, उन लोग मतलब उन लोग लिविंग वहां पे ऐसे ही होता है। तो वहां पे क्या है, वो जो बर्फ का जो जानवर होता है ना, तो वहां पे पकड़ के मार के वो खाता है उन लोग। मैं लेक्चर में सुन रहा था वही प्रभु, एस्किमो देश में। ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत अच्छा क्लास था आपका, और उसमें से जो आपने कहा कि हर एक को अपना कर्तव्य करना चाहिए, मतलब अगर गृहस्थ है उसके ऊपर अगर सारे परिवार की जिम्मेदारी है तो वो करनी चाहिए, और पैसे की जरूरत होती है। ऐसी एक लेक्चर में मैं सुन रही थी, जो प्रभुपाद जितने भी इस्कॉन के मंदिर है उनका संचालन सब गृहस्थ करते हैं, और सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग हैं वो भी प्रचार कार्य में ज्यादा हेल्प करते हैं। और वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबको ऐसे लगता है कि अरे पता चलता है कि भक्ति करके हमें भगवान के धाम जाना है, तो सिर्फ खुद का ही विचार करते हैं फिर ये सब क्या करना है। जो आपने बोला कि हाथी को भी अगर भगवान ने खाने की व्यवस्था कर रही है तो मेरे माँ बाप के भी कर देगा, नहीं वो पहले हमारी जिम्मेदारी का खुद के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो निभानी है, और उसके उसके साथ साथ खुद ही नहीं पूरे परिवार को साथ में लेके भक्ति में लगाना है। हरे कृष्णा बाबा, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम, ऑल ग्रेस टू रूप भक्त, थैंक यू बाबा। हरे कृष्ण प्रभु, और एक चीज शेयर करने चाहते हैं, आपने जैसे अभी ऑफिस के बारे में बताया ना, तो हमारा ऑफिस में प्रभु क्या है, मैं थोड़ा शेयर करने हैं। तो ऑफिस में क्या है, मतलब भक्त बोलेगा तो हम जो इस्कॉन का है तो सबको पता चल गया जो हम इस्कॉन का है, मैं 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करता है, कभी मच्छी माटो नहीं खाता है। तो मेरा जो एक कॉलीग है तो जैसे हमारे साथ ही काम करता है, समझो कभी उसने कुछ गाना सुन रहा है बा कुछ, कभी कभी जो लंच टाइम में जो ब्रेक होता है ना उसी टाइम, तो मैं क्या है कभी कभी वो लेक्चर सुनता है, नहीं तो प्रूफ कुछ कीर्तन सुनता है, तो वो बोलता है तुम ऐसा हमेशा क्यों सुनता है। तो आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे अभी इतना हो गया, उसको भी क्या है क्या हमारा, हम जब उसको सुनाते उसको अच्छा 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 लगता है कीर्तन, तो उसने अभी क्या किया, उसने जो अभी फिल्म का गाना सुनता था ना अभी छोड़ दिया। दूसरे एक और बात है, जैसे हमारे सामने कोई उसने गलती कर दिया कुछ कर दिया, तो मैं उसको क्या बोलता, हरे कृष्ण, अरे यार तुम कैसे किया यार, हरे कृष्ण ये नहीं करने का यार। तो वो जो हरे कृष्ण बोलते बोलते उसको मुंह में अभी हमेशा क्या है प्रभु, हरे कृष्ण आता है। और हमारा यहाँ पे क्या है 400-500 स्टाफ है, तो उसने उसके साथ तो हम हरे कृष्ण करते हैं, उसने अभी क्या किया, वो जो भी है अभी मजाक में बोला और जो कुछ भी है ये है, वो सबको जाके क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण भाई तुम ऐसा क्यों किया, हरे कृष्ण कैसे है, मतलब अभी पूरा मतलब हमारा फैक्ट्री में सब अभी हरे कृष्ण बोलने लगा। मतलब पहले का जैसे मतलब ये नहीं करता है, ओए किधर है रे तू क्या करता है, ऐसा नहीं, हरे कृष्ण कैसे है। तो ये जो हरे कृष्ण प्रचार अभी पूरा हमारे फैक्ट्री में ये फैला हुआ है प्रभु, हरे कृष्ण वो शेयर करने का था। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम, जय जय जय। एक शुद्ध भक्त का मतलब संघ के साथ क्या हो सकता है, मतलब 400 भक्त बोलते हैं सुनते हैं, तो थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू यू, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद, हरे बोल, जय जय, बहुत इंस्पायरिंग है प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण दादा, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपकी वजह से इतने सारे लोग हैं जो हैं, भले उनका मतलब वो दिल से नहीं बोलते होंगे, भले वो दिखाने के लिए बोलते होंगे जैसे भी है, बट सबके मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण, जय श्री ब्रदर, रियली प्रभु क्या मेरे को भी आश्चर्य लगता है। अभी हमारा वहाँ पे क्या, जब गेट में अंदर जाने का पूरा सिक्योरिटी रहता है, 4-5 सिक्योरिटी, तो हम स्पेशली जब हम अंदर आते हैं, हरे कृष्णा प्रभु कैसे आए, केमन आचेन, भालो आचेन, भालो आचेन, तो आते जाते जो ये जो सबका मुंह से पहले तो ये नहीं था, हम जब वो कंपनी में ज्वाइन किया तब से हरे कृष्ण का नाम है सबका मुंह में फैला हुआ है। और मैं हमारा जो कॉलीग है ना, उसने पहले मतलब बहुत मतलब तमोगुनी ऐसा है कृष्ण, उन लोग दूसरा मतलब ये क्या है
उन लोग भी मतलब हरी नाम करता है, लेकिन हमारा जैसे नहीं है। तो क्या हमेशा फिल्म का गाना ये गाना सुनते रहता था, मजाक करता था? तो ये हमारा जो हम जब क्लास में मतलब जब अपना लंच टाइम में कीर्तन सुनता है, ये सुनता है, ये सुन के अभी वो हमेशा हाँ मतलब हे कृष्ण काल भी बोलता था, हे कृष्ण हमारा इतना प्रॉब्लम आए तुम क्यों सॉल्व नहीं करता है। तो मैं उसको बोला तुम्हारा सॉल्व कैसे करेगा, तुम हमेशा शरण में रहने का तब भगवान तुम्हारा सॉल्व करेगा। तो मैं उसको वही बोलता था, मैं बोला तुम थोड़ा करेगा ये करेगा फिर जब प्रॉब्लम में आएगा तुम हरे कृष्ण करेगा, वो नहीं क्या, तुम हमेशा कंटिन्यू तुम्हारा माइंड में कॉन्शियसनेस होना चाहिए भगवान का, तब तुम्हारा कृष्ण सॉल्व करेगा। तो मैं उसको वही बोल रहा था प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु धनवत नाम। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत अच्छा। जैसे कल श्याम रसिक प्रभु भी वही बोल रहे थे कि आज्ञा स्वीकृति स्वीकृति, तो आपकी वजह से उन्हें भी वो मिल रही है भगवान का नाम लेने के। हरे कृष्णा। यस माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट। और कभी कभी हमको पता नहीं चलता कि प्रचार मतलब क्या है, तो देखिए प्रेम सका प्रभु मतलब एक्चुअली इसको ही प्रचार कहते हैं। प्रचार यानी ऐसा नहीं कि बड़ा पंडाल प्रोग्राम, 100 लोग, ये मतलब यही प्रचार होता है, तो हर कोई ये आसानी से कर सकता है। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु बहुत अच्छा क्लास था। और जो ये नॉनवेज की जो हम जो क्लास में आपने बताया, वो सोच के और सुन के भी हमें डर लगता है कि, लेकिन हम सोचते हैं कि इतनी उन्होंने सेक्रीफाइस किया था कि आगे की जो पीढ़ियां हैं वो भक्ति में आए और आगे बढ़े आएंगे। कभी कभी तो हम जैसे हम इस्तौन में आए गए इतने सालों से, तो हम अगर ओनियन गार्लिक की बात भी आती है तो भी हम वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो आज ये नॉनवेज का सुनना भी एकदम, ये क्लास में सुनने को एकदम वो लग रहा था कि माय गॉड, लेकिन ये जो 2-3 पॉइंट्स है वो तो मुझे कभी भी मैंने सुना नहीं था। तो वो सुन के भी डर लग रहा था कि वो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है या आई थी जो मतलब हमारे जो जो आगे के जो हमारी जो भी आचार्य से उन्होंने इतना सब सहन किया था कि हमें वो भक्ति मिल सके और हम समझ सके। लेकिन वही बता रही थी कि जैसे कई बार बास भी आते हैं ना गार्लिक की, तो मुझे चक्कर जैसा आता है कि इतनी गंदी बास है, तो उनको तो रियली मतलब इतना 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 हम प्रभुपाद जी का और सबका सुखर माने कि हम यहाँ तक भक्ति में पहुंचे और आगे भी हमारे जो पीढ़ियां है हमारी जो आगे की जनरेशन है वो भी आगे बढ़े। तो थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हाँ, और एक अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया कि जब मतलब देश में इतने डाइवर्सिटीज ये सब जो 4 regulated principle इतना ब्रेक नहीं होता था, लेकिन आफ्टर स्लॉटर हाउस सब जब बढ़ते गए उसके बाद में ये सारा जो वातावरण इतना प्रदूषित हुआ है। तो एक्चुअली इनडायरेक्टली अगर हम देखेंगे ये जो मांसाहार के वजह से ही कि पूरा जो संस्कृति या फिर जितना भी इस सोसाइटी में ये सब चल रहा है, डिवोर्सिस, इलिसिट रिलेशनशिप, ये सब सारा ये स्लॉटर हाउस होने के बाद ये बड़े हैं एज पर अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो। कितना पाप लगता है और वो पाप एक्चुअली पूरी सोसाइटी भोग रही है, लेकिन हमको ये पता नहीं चल रहा है। हमको लग रहा है कि मांसाहार एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उसका जो दुष्परिणाम है पूरा सोसाइटी पूरे तरह से उत्पाद मचा हुआ है आजकल। मतलब किसी का गारंटी नहीं किसकी शादी कितनी टिकेगी, कौन किसके साथ क्या रिलेशन रख रहा है, सारा इसी का परिणाम है। प्रभु जी बता रहे थे स्लॉटर हाउस जब से बढ़ते जा रहे हैं, मतलब उनका जो पाप है वो हमको आ रहा है पूरा सोसाइटी को, ऐसा नहीं कि जो खा रहा है उसी को, हर किसी को भुगतना पड़ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। अब आज का जो क्लास सुन के जब मैंने ऐसा सुना तो एकदम वॉमिट जैसा होने लगा और मेरे मुंह से ऐसे ही निकला कि भगवान ऐसी सिचुएशन कभी भी किसी भी डिवोटी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सुन के ही हम घबरा जाते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु, अच्छा लगा क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। धन्यवाद सूरत माधव प्रभु जी, आपने इतना अच्छा सुंदर समझाया प्रभु जी ये तात्पर्य को। तो आज इस विषय में जैसे सब अभी बाद में चर्चा कर रहे थे तो मुझे जस्ट एक बात स्मरण में आई कि जैसे स्थान काल परिस्थिति के अनुसार सब उनको अपना कार्य करते हैं। तो एक ये जो कथा है जो सॉल्टेड ब्रेड करके
जो रशिया के भक्त थे जिनको उन्होंने भक्ति का प्रचार करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां सहन की और उनको जब ही पकड़ा गया और उनको जेल में रखा गया तो उनको बहुत मारा था बहुत, और उनको फिर ऐसा ये पर्याय दिया था कि आपको मतलब वापस जो आपकी जो पुरानी जीवन शैली है उसे अपनाना है या अभी जो आप ये कर रहे हैं उसे करना है। तो उन्होंने मतलब उनको सब ऐसा ये प्रलोभन भी दिया गया, तो उसमें वो मांसाहार भी उनको मतलब खाने का वो खा जा रहा था तो भी उन्होंने उन्हें वो तो उन्हें तभी उन्होंने ये उसे स्वीकार नहीं किया, पर उन्होंने अपनी जो भक्ति जीवन है वही उन्होंने उसे पकड़ के रखा भले ही कितना उनको कष्ट मिला। तो मतलब दोनों तरफ है, जैसे सब आज के तात्पर्य में भी और सब भक्तों ने भी जैसे बताया कि ऐसा मतलब स्थान काल परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं, और जैसे बस प्रिया माता जी ने भी बताया कि बहुत भय लगता है ये सुन के। तो ऐसे दोनों परिस्थिति भक्त के ऊपर है कि वो मतलब कितना क्या कैसा कर सकता है। तो ये जस्ट मुझे स्मरण में आया, इसके लिए सबके साथ शेयर किया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद।